क्वेश्चन 38 है, वी ऑल हैव सीन द एरोप्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई बट माइट हैव नॉट थॉट अप हाउ दे एक्चुअली रीच द करेक्ट डेस्टिनेशन। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC इज अ सर्विस प्रोवाइडेड बाई ग्राउंड बेस्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हु डायरेक्ट एयरक्राफ्ट ऑन द ग्राउंड एंड थ्रू अ गिवन सेक्शन ऑफ कंट्रोल्ड एयर स्पेस एंड कैन प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विसेज टू एयरक्राफ्ट इन नॉन कंट्रोल्ड एयर स्पेस। एक्चुअली ऑल दिस एयर ट्रैफिक इज मैनेज एंड रेगुलेटेड बाई यूजिंग वेरियस कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए, ये बेसिकली ये केस बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से एरोप्लेन को मैनेज किया जाता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के द्वारा, और इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। ये डायग्राम देख के आप समझ सकते हैं, और ये अप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है। एट अ गिवन इंस्टेंस ATC फाइंड्स दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो देखिए, पहला चीज़ क्या दे रहा है कि एक एरोप्लेन है, ATC उसको फाइंड करता है और एंगल ऑफ एलिवेशन पाता है 60 डिग्री। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड के फ्लाइट के बाद इट इज ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेज टू 30 डिग्री। मतलब ये पास में था, ज़्यादा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था, इसके बाद ये दूर चला गया तो 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना। द हाइट ऑफ द प्लेन रिमेंस कॉन्स्टेंटली एज 3,000√3 मीटर। यूज द एबव इंफॉर्मेशन टू एंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पे देखिए, जो हाइट ऑफ प्लेन है ना, वो कॉन्स्टेंटली 3,000√3 मीटर है। इस इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए जो क्वेश्चन नीचे दिए हुए हैं, इनको सॉल्व करना है। इसमें क्वेश्चन वन है कि ड्रा नीट लेवल्ड फिगर टू शो द एबव सिचुएशन डायग्रामेटिकली। तो डायग्रामेटिकली हमको इस सिचुएशन को एक फिगर में लेवल्ड करके बताना है। अब यहाँ पे इस लेवल डायग्राम को समझिए। ये जो है ना ATC का वो पॉइंट है जहाँ पे ये जो प्लेन है P पे है। पहले P को ऑब्जर्व कर रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, और P से 30 सेकेंड में मूव करके Q तक पहुँचता है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कम होकर यहाँ पे 30 डिग्री हो जाता है। लेकिन ये जो हाइट है ना, वो कॉन्स्टेंटली 3,000√3 मीटर है। उसको यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि P एंड Q आर द टू पोजिशंस ऑफ द प्लेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3,000√3 मीटर। ए इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन सेकेंड है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लेन इन 30 सेकेंड्स, कि 30 सेकेंड में ये जो प्लेन है ना, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो देखिए, फर्स्ट इन ट्राइंगल APB, ये जो पहला ट्राइंगल है APB, उसमें क्या होगा, ये होगा 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इसमें PB है जो कि हाइट है, और बेस AB है। तो यहाँ पे जो PB है वो है 3,000√3, और डिवाइडेड बाई AB हमको निकालना है। ठीक है, और 1060 का वैल्यू होता है √3। तो √3 इक्वल टू 3,000√3 डिवाइडेड बाई AB हो जाएगा, सो दैट AB इक्वल टू 3,000√3 डिवाइडेड बाई √3। √3 से √3 कट गया, तो यहाँ पे हमको AB का वैल्यू मिला है 3,000 मीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा इन ट्राइंगल। अभी जो ट्राइंगल है AQC, ये QC में 1030 इक्वल टू QC जो हाइट है, और डिवाइडेड बाई जो बेस है AC हो जाएगा। उसको यहाँ पे लिखेंगे कि इन ट्राइंगल AQC 1030 डिग्री इक्वल टू QC जो कि हाइट है, डिवाइडेड बाई AC जो बेस है। अब यहाँ पे देखिए, QC का वैल्यू जो है वो 3,000√3 मीटर है, AC हमको फाइंड आउट करना है, और 1030 का वैल्यू होता है 1/√3। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो AC इक्वल टू 3,000√3 × √3। √3 × √3 3 होता है, तो 3,000 × 3 इक्वल टू होगा 3,000 × 3 = 9,000 मीटर। ठीक, अब देखिए, जो इसमें क्वेश्चन हमको पूछ रहा है ना कि ये पॉइंट P से पॉइंट Q तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो होगा AC - AB, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लेन इक्वल टू AC - AB, ये इक्वल होगा 9,000 - 3,000 इक्वल टू होगा 6,000 मीटर। ठीक, इतना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। इसका आर है कि कीपिंग द हाइट कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द अबव फ्लाइट इट वॉज ऑब्जर्व दैट आफ्टर 15√3 - 1 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 45 डिग्री। कि ये जो हाइट है ना, उसको कॉन्स्टेंट लेते हुए इसी फ्लाइट में ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि 15√3 - 1 सेकेंड में
एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाता है 45 डिग्री तक। हाउ मच इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दैट ड्यूरेशन, तो इस ड्यूरेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है। तो इसको ना हम लोगों को फिर से एक डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बना के सेम वही फार्मूला टेन थीटा वाला यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए ये वाला डायग्राम हो जाएगा, यहाँ पे 60 डिग्री तो हम समझ ही चुके हैं, यहाँ पे 45 डिग्री का एलिवेशन हो रहा है। तो फिर लिखेंगे इन ट्राइंगल ए पी बी, ट्राइंगल ए पी बी में टेन थीटा या टेन 60 डिग्री इक्वल टू होगा जो परपेंडिकुलर है पी बी डिवाइडेड बाई जो बेस ए बी। अब यहाँ पे पी बी क्या है, 3000√3 और डिवाइडेड बाई ए बी हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू होगा 3000√3 डिवाइडेड बाई √3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमको मिलेगा 3000 मीटर। ठीक, सिमिलरली इन ट्राइंगल, ये वाला जो ट्राइंगल है ए क्यू डी, ए क्यू डी 10 45 लेंगे इसमें, ट्राइंगल ए क्यू डी में क्या है 10 45 डिग्री है, इक्वल टू होगा क्यू डी अपान ए डी। अब यहाँ पे क्यू डी देखिए सेम है 3000√3 और डिवाइड बाई हम लोगों को यहाँ पे लेना है ए डी, है ना, ए डी लेना है। अब ए डी का वैल्यू निकालेंगे तो ए डी इक्वल टू 3000√3 और डिवाइडेड बाई देखिए 10 45 वन होता है तो वन हो जाएगा, ये इक्वल टू 3000√3 मीटर हो गया ये। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ पे निकालना है वैल्यू बी डी का, जो डिस्टेंस टेबल कर रहा है ये हुआ है बी डी। तो बी डी इक्वल टू ए डी माइनस ए बी। तो यहाँ पे देखिए ए डी कितना है, 3000√3 है और ए बी है 3000 मीटर, तो 3000√3 माइनस 3000 इक्वल टू 3000 कॉमन आ गया, अंदर में बचा √3 - 1, इतना मीटर ये ट्रेवल करेगा जो क्वेश्चन आर वाला दिया है उसमें, यही इसका आंसर होगा। इसमें थर्ड क्वेश्चन है इसी का कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर, तो हमको किलोमीटर पर आवर में जो प्लेन का स्पीड है उसको फाइंड आउट करना है। इसमें फर्स्ट केस में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है प्लेन वो 6000 है और इसको कवर कर रहा है वो, इसमें टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है टाइम टी इक्वल टू 30 सेकेंड का। ठीक, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपन टाइम। अब इसमें डिस्टेंस जो है ना वो 6000 मीटर है और टाइम है 30 सेकेंड, इसको पुट करेंगे तो 6000√30 ये कैंसिल हो गया, 3 2 जा तो आ गया 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये मीटर पर सेकेंड में है, इसको हमको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 1/3600। इसको सॉल्व करेंगे तो 200 डिवाइडेड बाई 1000 × 3600 ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो आ गया 720 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो ये जो बच्चे समझ में नहीं आता है उनके लिए है, नहीं तो मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करते हैं 18/5 से, है ना। जैसे 200 याद रखिएगा इंटू 18/5 करेंगे तो 5 बन जा, 5 फोर जा और ये 720 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो ये सब कन्वर्जन है यूनिट से का। इसको हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सेकेंड का आर, उसके द्वारा भी हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है 3000√3 - 1 मीटर का और जो टाइम दिया हुआ है इसमें वो दिया हुआ है 15√3 - 1 सेकेंड। अब इसको भी सेम स्पीड इक्वल टू डी बाई टी करके डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3000√3 - 1 / 15√3 - 1, ये कट गया, 15 वन जा, 15 टू जा, ये भी आ गया 200 मीटर पर सेकेंड। अब इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग तो करेंगे 200 × 18/5 जो कि है 720 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये दोनों तरीके में से किसी भी एक तरीके से आप निकाल सकते हैं।